अस्सलाम आज बनने लगा जी चिकन मलाई टिक्का। चलिए शुरू करते हैं। चिकन लिया है, ये थाई है, उसका बोनलेस है, ठीक है। अब इसकी करेंगे कटिंग, पीस बनाएंगे इसके। कटिंग बोर्ड पे रख लिया, ये देखिए इस तरीके से काट लिया। अब इसके फिर दरमियान में से इसको कटेंगे और ये देखिए इतने इतने से हम पीस सारे तैयार करेंगे, ठीक है। चलिए सारे पीस तैयार लिए हैं, अब इसको मैरिनेट करेंगे, मसाले ऐड करेंगे। सबसे पहले इसमें जाएगी 2 टीस्पून पिसी हुई काली मिर्च, ठीक है। इसके बाद हम इसमें नमक ऐड करेंगे 2 टीस्पून, 1-2। इसके बाद इसमें आप यूज़ कर सकते हैं, ना करना चाहें तो स्किप कर दें, 2 टेबलस्पून बारबेक्यू सॉस में डालूँगा। अब इसको हम करेंगे मिक्स इस तरीके से। मसाले मेरी नेप में कर रहा हूँ, इसमें 1 टीस्पून हमने अजवाइन का भी ऐड करना था, ये देखिए इसको भी ऐड करेंगे और इसको इस तरीके से अच्छा सा मसालों को मिक्स कर देंगे। मसाले मिक्स करने के बाद एंड पे मैं इसमें फ्रेश क्रीम ऐड कर रहा हूँ, मिल्क क्रीम। आप कोई भी इसमें डाल सकते हैं, घर की हो तब भी, और अगर आपके पास बाहर से अवेलेबल हो तो वो भी आप लेके डाल सकते हैं। ये 200 ml का डब्बा होता है, वो हम इसमें ऐड करेंगे। क्रीम ऐड करके हल्का सा क्रीम को इसके साथ मैरिनेट करेंगे। मैरिनेशन कंप्लीट हो चुकी है, अब मैं इसको 1 घंटे के लिए फ्रिज में रख दूँगा और 1 घंटे के बाद हम इसको शुरू करेंगे बनाना इंशाल्लाह। 1 घंटा गुजर चुका है, अब हम अपने चिकन को, ये मेरे पास सीख है, इस तरह हम सीखों पे पिरोएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये देखिए इस तरीके से हम एक पीस उठाएंगे, ठीक है। और पुराना हमने इस तरीके से है कि ये मुकम्मल पीस जो है ये सीख के साथ ये इस तरीके से एडजस्ट हो गए, ताकि जो ये जो चिकन है ये नीचे ना लटके, ये देखिए इस तरीके से। अब हम इस तरीके से सारे पीसेस परोएंगे। रोटी हमने सारी सीखों पे परो दी है। अब ये जो हमने कुछ वेजिटेबल्स भी साथ रखी हुई थी, अब ये जो हमारे पास जो मसाला बच गया है ये वेजिटेबल इसमें डालेंगे और इनको जो बचा हुआ मसाला है उसके साथ इन वेजिटेबल्स को मैरिनेट कर देंगे और इनको भी सीखों पे पिरोएंगे साथ साथ। तो अब टाइम हो चुका है, कोयले हमने पहले से जला लिए थे, अब हम अपनी सीखें जो है वो रखते हैं कोयलों पे। पहले से जला के रख लिए थे, अब हम अपनी सीखें रखते हैं। बिस्मिल्लाह, ये देखिए बिस्मिल्लाह, इस तरीके से हम सारी चीज़ें रखेंगे और तकरीबन 8-10 मिनट तक हम इनको हर साइड से पकाएंगे। ये वेजिटेबल सीख भी हमारी साथ लग गई माशाल्लाह से, वेजिटेबल्स जो हैं इनके साथ टिक्कों का जो मज़ा है ना वो बड़ा ही शानदार बन जाता है। माशाल्लाह जी, हमारा चिकन मलाई टिक्का रेडी हो रहा है। हम बार बार इनको साथ साथ पलट पलट भी करते जा रहे हैं। और एक टिप आपको यहाँ पे फिर दे देते हैं कि जब कोयलों की हीट बहुत ज़्यादा हो जाए तो पानी के छींटे लगा के तो आप इनकी हीट को कम कर दें, क्योंकि बहुत ज़्यादा हीट पे ये जल जाएंगे। हमने मीडियम हीट रखनी होती है कोयलों की। माशाल्लाह जी, हमारा मलाई टिक्का बन के बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब हम इनको कोयलों से उतारेंगे और आपको सर्व करके दिखाते हैं। ये देखिए माशाल्लाह से कितना ज़बरदस्त ये जूसी बना है और वेजिटेबल्स भी हमारी इस पे अच्छे से भुन सी गई हैं, ये आपको दिखा दिया हमने। ये देखिए जी, हमने ये अब ट्रे में डाल के तो सीखें रखी हैं, अब ये रेडी टू ईट हैं। और ये आप देख सकते हैं माशाल्लाह से बहुत जूसी और बड़ा टेस्टी किस्म का ये हमारा मलाई टिक्का रेडी हुआ है। इस रेसिपी के साथ आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आप बहुत इंजॉय करेंगे। मैं उम्मीद करूंगा कि आप हमारी इस वीडियो को पसंद करेंगे। वीडियो पसंद आ जाए तो लाइक भी कर दिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया करें। इंशाल्लाह अगली वीडियो में किसी नई और अच्छी रेसिपी के साथ आपसे मुलाकात होगी। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।